हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ पार्लर अपना क्लीन अप करवाने के लिए। गर्मी से बहुत हो रही थी और मेरे चेहरे में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दाने निकल रहे थे। जब सना ने देखा, उन्होंने कहा कि आपके चेहरे में तो बहुत गर्मी सी हो रही है, तो आपको कोई ठंडा फेशियल कराना चाहिए, ठंडा क्लीन अप कराना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप पर्ल वाला क्लीन अप कराइए। तो मैं आज करा रही हूँ रियल अरोमा पर्ल फेशियल जो किट है उसका मैं क्लीन अप करा रही हूँ। पूरा फेशियल तो मैंने नहीं कराया, उसमें मेरी स्क्रबिंग हुई और इसके अलावा हुआ क्रीम से मसाज हुई और इसके अलावा लास्ट में फेस पैक लगा, क्योंकि फेशियल में मुझे बहुत टाइम लग जाता तो मुझे यही सही लगा कि क्लीन अप करा लेती हूँ। उससे मेरी जो चेहरे का जो गंदगी है वो निकल जाएगी और मेरा जो फेस है वो काफ़ी साफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सना गुलाब जल से मेरा जो फेस है वो क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि डस्ट काफ़ी हो ही जाती है फेस में। तो सबसे पहले होता ही यही है, फेस और नेक वगैरह क्लीन की जाती है, उसके बाद फिर फेशियल या क्लीन अप स्टार्ट होता है। मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि वरना मेरी वीडियो लगभग 24-25 मिनट की हो जाती है, क्योंकि मैं पूरा दिखाती हूँ किस तरीके से उसने मेरा क्लीन अप करा स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह से क्या क्या स्टेप्स यूज़ करने चाहिए फेशियल या क्लीन अप करने के लिए। तो सबसे पहले स्क्रबिंग हो रही है, देखिए कितनी अच्छे मतलब अच्छे से सना स्क्रबिंग कर रही है मेरे फेस की। और साथ साथ हमारी बातें भी होती जा रही हैं, लड़कियां हो और गप्पे ना मारें ऐसा हो ही नहीं सकता है। सब गप्पे जरूर मारती हैं, बस ये है कि एज के हिसाब से गप्पों के टॉपिक चेंज हो जाते हैं। बड़े उसे करते हैं तो मोहल्ले वगैरह की बातें होती हैं, और जब वो छोटी है तो उससे ब्यूटी संबंधी या करंट टॉपिक से रिलेटेड बातें होती हैं मेरी। और फेस मसाज करने से काफ़ी रिलैक्स सा तो फील होता ही है, बहुत अच्छा सा फीलिंग आती है। वरना चेहरे में भी मैंने देखा काफ़ी ग्लो आ जाता है, वरना स्किन बड़ी ख़राब सी डेड सी हो रही थी, काफ़ी पिंपल्स हो रहे थे, लेकिन उसके बाद मेरे जो पिंपल्स हैं काफ़ी कम हो गए और फेस भी मेरा काफ़ी क्लीन सा क्लियर सा लग रहा है।
स्क्रबिंग अच्छे से हो गई है, तो सना टिश्यू पेपर से अब मेरा जो फेस है वो अच्छे से पोंछ रही है। बस फेशियल से मुझे एक चीज़ लगती है, मतलब आईज में क्रीम बहुत चली जाती है, उससे क्या होती है इरिटेशन होती है आईज में, तो बार बार स्प्रे करना पड़ता है आईज में जिससे कि जो जलन है वो ना हो। बीच बीच में काफ़ी मुझे मतलब इरिटेशन हो रही थी। स्क्रबिंग हो चुकी है, अब सना कर रहे हैं क्रीम से मेरी मसाज। क्रीम से अच्छे से एक बार मसाज कर दी है सना ने, और अब टिश्यू पेपर से फिर से वो उसको पोंछ रही है। अब उन्होंने मेरे फेस पे जेल लगा दिया है और जेल से अब वो अच्छे से मसाज कर रही है।
जेल से भी मसाज कंप्लीट हो गई है, बस लास्ट में बचता है फेस पैक, फिर लास्ट में उन्होंने फेस पैक लगा दिया और मेरा फेशियल हो गया कंप्लीट। मेरी आईज़ में इरीटेशन हो रही थी क्रीम की वजह से, इसलिए मैंने कहा स्प्रे कर दो और मैंने टिश्यू पेपर से अपनी आईज़ पोछी। फेस पैक भी सूख चुका है और सना स्प्रे करके अब फेस पैक को क्लीन कर रही हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट तो कर देते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ भूला मत कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में या किसी न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।